Hello guys, this is Samar Joshi and welcome back to the Profit Mart channel. In today's video, we will talk about how to invest in stock market for a beginner. You are a beginner, आपको stock market क्या होता है पता नहीं होता, कैसे काम करता है पता नहीं होता, और आपको वो easy language में पता करना है तो हमारा पहला video देखो, यहाँ पे दिखेगा. Now, coming back to this video, मैं आपको बताऊंगा कि demat account कैसे खोलना है. अब ये demat account क्या होता है, let's talk about that. Demat account is very simple. अभी आप एक बैंक में जाते हो और आपको आप एक बैंक में पैसे रखने हैं, सेविंग्स अकाउंट में. तो आपको बैंक में पैसे रखने के लिए आपको वो बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिससे आप विड्रॉ कर सकते हो, बैंक में पैसे डाल सकते हो. इन द सिमिलर वे, अगर आपको स्टॉक्स खरीदने हैं, स्टॉक्स बेचने हैं, प्रॉफिट करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट लगता है. सो आप ये डीमैट अकाउंट कहाँ पर खोल सकते हो? कई जगह पर खोल सकते हो, पर सबसे बेस्ट जगह एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए प्रॉफिट मार्ट पर. क्यों ये बेस्ट है? आपको क्या करना है, बस एक आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने पास रखना है, profitmart.com के वेबसाइट पे जाना है. तीन स्टेप्स, जी सही सुना आपने, तीन स्टेप्स के अंदर आपको अपना डीमैट अकाउंट मिल जाएगा. डिटेल्स फिल अप करो, सारे जो चीज़ें मांगे डालो, पैन और आधार कार्ड डिटेल डालो, आपको OTP आएगा, OTP डाल दो और आपका डीमैट अकाउंट रेडी है. यस, थ्री स्टेप्स में, अंडर थ्री मिनट्स आपका डीमैट अकाउंट रेडी है और बाय द एंड ऑफ द डे आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपना रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा. और अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई इश्यू आ रहा है तो नीचे जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे उस पर कॉल करो और आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा. सो रुके क्यों हो, जाओ और इन्वेस्ट करो और अपना डीमैट अकाउंट खोलो प्रॉफिट मार्ट पे. नाउ वो करने से पहले आपको इन्वेस्ट करना है ना स्टॉक मार्केट में, तो आई टेल यू थ्री स्टेप्स कि क्यों इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या माइंडसेट रख के इन्वेस्ट करना है कि आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर पाओ. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक बजट बनाओ. नाउ व्हाट आई मीन बाय योर बजट, बेसिक स्टेप्स करते हैं. मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे अपने दिमाग में चलाओ, आपका इनकम कितना है. अब मैं अपने हिसाब से 30,000 इनकम लेके चलता हूँ कि मैं महीने को 30,000 इनकम कमाता हूँ. नाउ आपका खर्चा निकालो, समझो 5,000 आपका रेंट है और आपको खाने में महीने में इतना खर्चा निकलता है, और थोड़े पैसे आप नॉर्मल चीज़ें के लगाओ. अभी आप कमा रहे हो तो सिर्फ खाने पीने में तो नहीं लगाओगे, थोड़ा आपको जो खर्चा करना है, आपको घूमना है फिरना है, जो भी करना है उसका लगाओ. नाउ आइडियली फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स मिनिमम 20-30% आप इन्वेस्ट करो हर महीने. नाउ ये स्टॉक्स में हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर आपका जितना भी सैलरी है उसका 20-30% आप इन्वेस्टमेंट में लगाओ. एंड आई थिंक दिस इज नेसेसरी कि अभी आप हसल कर रहे हो, अभी आप मैनेज कर सकते हो और बाद में आप अच्छे तरह से रह सकते हो जस्ट बाय इन्वेस्टिंग नाउ. सो आइडियली 20-30% ऑफ योर इनकम आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, उतना साइड में लगा के रखो, एक प्लान बनाओ कि इतना इसमें जाएगा, इतना इसमें जाएगा एंड इतना यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. नाउ आपको 30% ज़्यादा लग रहा है तो 20% करो, स्टार्ट विथ 15-20% एंड देन यू कैन गो ऑन इंक्रीजिंग एज वेल. नाउ सेकेंड पॉइंट इज सेट अ गोल्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सेटिंग अ गोल, सेटिंग अ गोल इज सिंपल, लॉन्ग, शॉर्ट एंड मीडियोकर. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको गोल क्यों रखना है वो भी मैं आगे बताऊंगा. आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग के लिए गोल्स ये भी हो सकते हैं कि आपको एक बाइक खरीदना है या फिर एक कार खरीदना है या फिर 10-15 साल बाद कहीं यूरोप में ट्रिप के लिए जाना है या फिर एक बड़ी चीज घर खरीदना है फॉर इंस्टेंस. नाउ अगर आपको बाइक खरीदना है तो शायद आप 3-4 साल इन्वेस्ट करोगे, प्रीमियम बाइक खरीदना है 5-6 साल इन्वेस्ट करोगे, एक अच्छी सी एक्सपेंसिव कार खरीदनी है 7-8 साल इन्वेस्ट करोगे, अच्छा बड़ा घर खरीदना है 15-20 साल इन्वेस्ट करोगे. और जब आपका वो इन्वेस्टमेंट गोल हो गया, देन यू नो कि यू नीड टू सेल दोस वॉट एवर स्टॉक्स यू आर और विड्रॉ योर मनी एंड डू योर गोल. देन व्हाई डू यू नीड टू हैव अ गोल, गोल इसीलिए रखना है कि आपको अपना स्टॉक का या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड समझे कि इतना साल मुझे रखना है, वरना आप इन्वेस्ट करते जाओगे और आपको कब वो निकालना है समझेगा नहीं और आपको बीच में कोई चीज़ आ गया, मुझे ये खरीदने का बहुत मन कर रहा है विड्रॉ कर लिया या फिर मुझे पैसे लग रहे हैं विड्रॉ कर लिया, तो उसका फायदा तो होगा आपको पर ज़्यादा नहीं होगा. बट यू हैव अ गोल और आपने वो गोल सेट किया, 15 साल से आप वो गोल के लिए सेव कर रहे हो और फाइनली आप वो गोल को पूरा कर रहे हो आपके सेविंग से, दैट्स वेयर दिस कम्स इनटू द पिक्चर. नाउ थर्ड चीज़, बेसिक चीज़, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. नाउ अगर मैंने आपको बता दिया कि आप गोल्स बनाओ, डीमैट अकाउंट खोलो, स्टॉक्स लो, सब चीज़ें करो, पर आप इन्वेस्ट कौन से स्टॉक्स में करोगे?
दो पार्ट्स आएंगे इसमें। अगर आपको रिसर्च करना पसंद है, आपके पास टाइम है, मेरे को मेरे दोस्त ने बोला ये वाला स्टॉक खरीद, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, आप जाओ वो स्टॉक खरीदो, उसको मॉनिटर करो या जो भी करो। पर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है, सिंपल चीज़ है SIP या फिर म्यूचुअल फंड्स। अब ये SIP क्या चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स क्या चीज़ है, हमारे चैनल पे आएगा, काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन करके आएगा, उसके लिए वेट करना। और अगर आया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट टिल देन मैं आपको सिंपल में बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड वो चीज़ होता है कि एक्सपर्ट्स काफ़ी सारे स्टॉक्स चूज करते हैं, उसे बंडल करते हैं और आप उसमें मंथली इन्वेस्ट करते जाते हो, उसे SIP बोलते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो आप मंथली वो SIP सेट कर दो, म्यूचुअल फंड सेट कर दो, लेट एक्सपर्ट्स वर्क फॉर यू एंड योर मनी। तो आपका पैसा मंथली कटते जाएगा स्टार्टिंग में और आपको सेविंग्स होते जाएगा। नाउ आपको समझ गया मैंने 3 स्टेप्स बताया, लेट्स डू अ क्विक समरी। आपको क्या क्या चीज़ करना है, डीमैट अकाउंट खोलना है, प्रॉफिट मार्ट में खोलना है, सिर्फ 3 स्टेप्स में 4-5 मिनट के अंदर खुल जाएगा। खुद के लिए एक बजट सेट करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 20-30% इन्वेस्ट करना ट्राई करो अपने फ्यूचर के लिए। फाइनेंशियल गोल्स सेट करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ से करो, अगर आपको रिसर्च करना पसंद है, कोई आपको बता रहा है ये खरीदो, खुद का रिसर्च करके खरीदना, और अगर नहीं हो रहा है तो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, लेट अदर्स एक्सपर्ट्स डू द रिसर्च फॉर यू। एंड फाइनल स्टेप इज हैव पेशेंस। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 4 महीने में आपको लॉस हो रहा है, 1 साल बाद लॉस हो रहा है, 2 साल बाद लॉस हो रहा है, पेशेंस रखो, मार्केट है, कभी नीचे गिरता है कभी ऊपर होता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स तक आप उससे विड्रॉ ना करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अब तक। आपको और कुछ वीडियो लग रहा है, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर ऑफ सच इंटरेस्टिंग वीडियोज ओनली ऑन प्रॉफिट मार्ट चैनल।